वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जीपीएस नहीं था और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एक मिसाइल को गाइड कर सके आज के टाइम के लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह। उस टाइम की मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट टाइप की थी जिसके टारगेट को सोल्जर को पहले ही कैलकुलेशंस के साथ में सेट करना होता था, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट थी। और इसीलिए यूएस मिलिट्री ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें मिसाइल्स के अंदर पिजन्स यानी कि कबूतर उस मिसाइल को गाइड करते थे। बेसिकली पिजन्स को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्हें इमेज में दिख रहे वॉरशिप को लगातार अपनी चोंच से हिट करना है, और क्योंकि कबूतर एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पक्षी है ये काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को गाइड कर सकता था। हालांकि ये मिसाइल किसी कामिकाजे अटैक की तरह थी क्योंकि इसमें पिजन भी नहीं बच सकता था। कुछ ही दिनों बाद में इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया।